हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज 18 जनवरी है। 18 जनवरी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा और की पॉइंट्स आप नोट डाउन कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा किस राज्य में शुरू हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। विश्व प्रसिद्ध 76वीं धनु यात्रा बारगढ़ उड़ीसा में शुरू हुई है। यह यात्रा 25 जनवरी तक चलेगी और क्यों मनाया जाता है? बुराई पर अच्छाई की जीत की प्रतीक धनु यात्रा देश की आजादी के जश्न के एक हिस्से के रूप में 1947 से 1948 में बारगढ़ में शुरू हुई थी। तब से जो है ये एक परंपरा की तरह मनाया जाता है, विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा। तो यह महोत्सव जो है कृष्ण लीला पर आधारित है और इसमें कृष्ण और उनके मामा कंस की पौराणिक कहानी दिखाई जाती है नाटक के थ्रू। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस भारतीय महिला क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दीप्ति शर्मा को चुना गया है। भारत की दीप्ति शर्मा को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया है। वहीं मेंस क्रिकेटर्स की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पैट कमिंस को यह अवार्ड दिया गया है। आईसीसी ने दिसंबर 2023 के टॉप परफॉर्मेंस को यह अवार्ड दिया है। दीप्ति ने पिछले महीने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था, इसीलिए दीप्ति शर्मा को जो है प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। अध्यक्ष ग्रेग बार्कले जी हैं, सीईओ जोफ अर्लाडिस जी हैं। हाल ही में आईसीसी ने जो है यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर डायना एडोल्जी, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीरेंद्र सहवाग, श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी अरविंद डी सिल्वा को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑपरेशन सर्वशक्ति किसने शुरू किया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सेना ने शुरू किया है ऑपरेशन सर्वशक्ति। तो चलिए जानते हैं ऑपरेशन सर्वशक्ति का उद्देश्य क्या है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में चलाया है ऑपरेशन सर्वशक्ति। लक्ष्य है राजौरी और पूंछ में भारतीय सैनिकों पर घात लगाकर हमला करने वाले आतंकियों को खत्म करना है। पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर में घात लगाकर किए गए हमलों में 7 सैनिक जो है शहीद हो गए हैं और राजौरी पूंछ बेल्ट में हमलों में 20 से अधिक सैनिक शहीद हो गए हैं। तो जम्मू कश्मीर के कुछ बेसिक जानकारी हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ प्रमुख ऑपरेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 2019 में और इसकी राजधानी है यानी कि दो राजधानी है, एक शीतकालीन और एक ग्रीष्मकालीन, श्रीलंका और जम्मू। तो उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। प्रमुख ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन आहट जो है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए किया गया था। और ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान में स्थित पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए किया गया था। ऑपरेशन उपलब्ध जो है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए किया गया था। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जो है भांग की खेती और आपूर्ति को समाप्त करने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन परिवर्तन। ऑपरेशन ओलिविया जो है भारतीय तटरक्षक बल द्वारा उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए चलाया गया था। तो ये थे कुछ प्रमुख ऑपरेशंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व बना है। महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है और अंधेरे आकाश की सुरक्षा और प्रकाश प्रदूषण को रोकने के लिए इसे डार्क स्काई पार्क के रूप में नॉमिनेट किया गया है। डार्क स्काई रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र है जो आमतौर पर एक पार्क या वेधशाला के आसपास होता है जो कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को प्रतिबंधित करता है। तो डार्क स्काई का उद्देश्य है आमतौर पर खगोल विज्ञान को बढ़ावा देना और पेंच टाइगर रिजर्व की स्थापना जो है 1977 में स्थापित किया गया था पेंच टाइगर रिजर्व। और पेंच टाइगर रिजर्व दो राज्यों में जो है फैला हुआ है,
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग किस शहर में हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोवोस में हुई है। आयोजन कब से कब तक है? 15 से 19 जनवरी 2024 तक। थीम क्या रखा गया है? रिबिल्डिंग ट्रस्ट। और युद्ध और संकटों से बिखरती दुनिया को ध्यान में रखते हुए ये बैठक की थीम रखी गई है, और इसमें भारत की 3 मंत्री यानी कि स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव और हरदीप सिंह पुरी जी जो है 3 CM इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। इस आयोजन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, विश्व बैंक समूह के प्रेसिडेंट अजय बंगा, WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम और भारत यानी कि अमेरिका, चीन, फ्रांस और श्रीलंका राजनीतिक नेता और कारोबारी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो विश्व आर्थिक मंच के बारे में हम जान लेते हैं, यानी कि WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में हम जान लेते हैं। एक गैर लाभकारी एवं अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा, कोलोनी म्यूनिक स्लिप में, ठीक है, सिपल में। और जर्मन प्रोफेसर क्लॉस श्वाब ने जो है 1971 में WEF की स्थापना की थी। किसने की थी? जर्मन प्रोफेसर क्लॉस श्वाब ने। तो फोरम वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडों को आकार देने के लिए राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र अग्रणी नेतृत्व को एक साझा मंच उपलब्ध कराता है, WEF। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत और किस देश के बीच लिथियम अन्वेषण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और अर्जेंटीना के बीच हुई है। तो भारत की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने अर्जेंटीना के साथ 2 बिलियन रुपए के लिथियम अन्वेषण समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं अर्जेंटीना और भारत ने। और लिथियम एक अलोह धातु है यानी कि नॉन फेरस मेटल है। इसका उपयोग जो है मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने के लिए किया जाता है लिथियम का प्रयोग। लिथियम दुनिया की सबसे हल्की और मुलायम धातु है और इसका एटॉमिक नंबर है 3। भारत में पहली बार जम्मू संभाग के रियासी जिले में 59 लाख टन लिथियम के भंडार मिले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिथियम का भंडार है जम्मू का, ठीक है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य की सबसे बड़ी झील साल्टन सागर में लिथियम की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लियोनस मेसी को चुना गया है। अर्जेंटीना के लियोनस मेसी ने फीफा के फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया है। मेसी ने लगातार दूसरे साल यह अवार्ड जीता है। स्पेन की आईताना बोनमती विमेन्स फुटबॉल ऑफ द ईयर बनी है, यानी कि आप इनको देख सकते हैं, और वह बार्सिलोना के लिए क्लब फुटबॉल खेलती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फीफा के बारे में। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। इसका मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और वर्तमान में अध्यक्ष कियानी इन्फेंटिनो है। फीफा पुरुष विश्व कप 1930 में और फीफा महिला विश्व कप 1991 में शुरू हुआ था। फीफा पुरुष विश्व कप 2022 का विजेता कौन है? अर्जेंटीना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बार्नार्डो एरेवालो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बने हैं। बर्नार्डो एरेवालो ने जो है ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें एक राजनीतिक उदारवादी माना जाता है और बर्नार्डो ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का दावा किया है। ग्वाटेमाला की अगर हम बात करें, यह मध्य अमेरिका में एक देश है और राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी, मुद्रा है क्वेटजल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 75वें एमी अवार्ड 2024 में किस सीरीज ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का एमी पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्सेशन ने जीता है। 75वें एमी अवार्ड 2024 लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया है। द बियर और सक्सेशन ने सर्वाधिक 6-6 पुरस्कार जीते हैं। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन ऑर्डर्स
ऑटर्स एंड साइंसेज 16 श्रेणियों में एमी पुरस्कार प्रदान करता है। एमी अवार्ड 2024 के बारे में हम जान लेते हैं। अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन उद्योग के लिए प्रदान किए जाते हैं एमी अवार्ड। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार 1949 में दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी कि NSO के अनुसार जो है FY24 के भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत से बढ़ सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.3% से बढ़ सकती है। भारत की इकोनॉमिक 31 मार्च को खत्म होने वाले मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में 7.3% की दर से बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। RBI ने पिछले महीने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान जो है 6.5% से बढ़ाकर 7% जो है कर दिया था। इसी डेटा का यूज जो है केंद्र सरकार अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट तैयार करने में करती है। अब बारी है रिवाइज करने की। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और उसके बाद हम देखेंगे रिवाइज के बाद एडिशनल GK। फ्रेंड, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में शुरू किया गया है। IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालयन वुल्फ को। पहले बीच गेम्स 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान बीकानेर में। चोरावर लाइट टैंक का विकास परीक्षण किसने शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DRDO ने शुरू किया है। 13वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। मुनवर राणा का निधन हो गया है, वह कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे एक उर्दू शायर थे। पीएम मोदी ने किस योजना के अंतर्गत पक्के घरों के लिए 540 करोड़ रुपए फंड की पहली किस्त जारी की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PM जनमन योजना। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक को जो है किसने लिखा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा MJ अकबर ने लिखा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 सालों में कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24.8 करोड़ लोग जो है बाहर निकले हैं नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। अब बारी है एडिशनल GK की। आज के एडिशनल GK में हम देखेंगे केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में। तो जन धन योजना 2014 में शुरू किया गया है। स्किल इंडिया मिशन 2014 में शुरू किया गया है। मेक इन इंडिया योजना जो है 2014 में शुरू किया गया है। नमामि गंगे योजना 2014 में शुरू किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में शुरू किया गया है। डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू किया गया है। उड़ान योजना 2017 में शुरू किया गया है। वहीं खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 में शुरू किया गया है। जल जीवन मिशन योजना जो है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2019 में शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 में शुरू किया गया है। पीएम मित्रा योजना 2021 में शुरू किया गया है। स्माइल योजना, अग्निपथ योजना और पीएम श्री योजना ये 2022 में शुरू किया गया है। और आरोग्य मैत्री 2023 में शुरू किया गया है। और पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 में शुरू किया गया है। तो ये थे कुछ योजनाओं के लिस्ट। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस देखने के लिए, डेली करंट अफेयर के क्लासेस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट GK क्वेश्चन के साथ।